और नंबर्स हम देख रहे हैं, डेफिनेटली एक बार फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्राइट साइड पर हम आए हैं और फिर से एक बार अच्छे नंबर्स हम पोस्ट होते हुए देख रहे हैं। तो ओवरऑल पहले तो सिनेरियो के बारे में समझना चाहेंगे, जैसे टर्न अराउंड हमने देखा है, क्या क्या सेंटिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो नंबर्स को यहाँ से ही शुरुआत करें। अतुल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमारी कंपनी तीन सेक्टर्स में है। एक तो रेजिडेंशियल रियल स्टेट में है। हमारे पास लीजिंग है जो कि करीबन 8.8 मिलियन स्क्वायर फीट का लीजिंग है, जो है वो पोर्टफोलियो है। एंड हॉस्पिटैलिटी है, जिसमें कि 8 होटल्स हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तीनों सेक्टरों ने इस क्वार्टर में बहुत अच्छा किया है। रियल स्टेट पहले से ही बहुत अच्छा कर रहा था और उसका कंटिन्यूइंग इस क्वार्टर में भी रहा है। दो भी हमने करीबन 1.12 मिलियन के आसपास जो है वो सेल करी है और लास्ट ईयर हमने 4.75 मिलियन किया है। तो जो रन रेट है वो मेंटेन्ड है। जो डिफरेंस मेजर आया है वो आया है हॉस्पिटैलिटी में और लीजिंग में। लीजिंग में हमारी अच्छी लीजिंग 0.4 मिलियन लीजिंग हमने इस क्वार्टर में भी करी है और जो लीजिंग अर्लियर के थे उसके रेंटल अब स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए रेंटल रेवेन्यू जो ऑफिस का है वो इंक्रीज हुआ है। और सबसे ज्यादा चेंज हॉस्पिटैलिटी में, जहाँ की बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्री थी उसमें दिक्कत थी, बट अब इस क्वार्टर में हॉस्पिटैलिटी ने बहुत बढ़िया किया है। इवन जो ऑक्यूपेंसी है वो 70% लास्ट प्री कोविड लेवल से बड़ी है और इवन एआरआर जो है वो प्री कोविड लेवल में है। तो प्रॉफिटेबिलिटी हम पहली बार अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देख रहे हैं, जिसमें कि एबिटा जो है वो 32% है। ओवरऑल ब्रेक इवन जो है वो हमें दिखता है। तो ये सब कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड द गुड रिजल्ट जो कि कंपनी ने दिखाया है इस क्वार्टर में। अच्छे से आपने सारी चीज़ें समझाई। अब हम थोड़ा सा जो समझने चाह रहे थे, जिस तरीके से ग्रोथ हमने देखा है ऑलमोस्ट 20-25% अराउंड का, तो क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं फिनेंशियल ईयर 23 के हिसाब से, अगर हम देखें तो क्या आप यही जो गाइडेंस था हमारा उसको और आगे बढ़ते हुए देखेंगे अतुल जी? या डेफिनेटली देखिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो जो ग्रोथ हमने पहले कमा जो हमने अचीव करी है वही हम आगे इस साल में भी अचीव करें। हाँ डेफिनेटली डिपेंड करता है कि माइक्रो और मैक्रो जो इकोनॉमी है वो कैसी रहती है। जो होम लोन रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, बट हमें लगता है कि हम ये ग्रोथ जो हमने पहले सस्टेन किया वो हम इस साल भी सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है सर। अब दूसरी बात, जिस तरीके से आपने हॉस्पिटलिटी की बात की है, किस प्रकार के मार्जिन्स, और हमने जिस तरीके से देखा है थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ओवरऑल है सर्विस सेक्टर की, जहाँ तक बात आती है हमारे होटल वगैरह के बिजनेस की बात आती है, कैसे देख रहे हैं सर आप मार्जिन में, और मतलब कोई प्राइस हाइक या मार्जिन्स के हिसाब से कोई हमें यहाँ पर इस सेगमेंट में पर्टिकुलरली देखना चाहिए? देखिए, 32% हमने एबिटा इस बार लिया है और हमें लगता है कि जी एआरआर और बढ़ेंगे और एआरआर बढ़ने से जो भी एडिशन है वो सीधे प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा। उसका रीजन है कि कॉस्ट मोर और लेस सेमी वेरिएबल होती है। जो कॉस्ट फिक्स है वो तो हम रिकवर कर ही रहे हैं, बाकी जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा थोड़ा सा कॉस्ट मैन पावर और अदर कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन लेकिन मेरे को लगता है डेफिनेटली हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है, मार्जिन परसेंटेज है, वो आगे हॉस्पिटैलिटी में बढ़ना चाहिए। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी में काफी लोगों ने पैसा खोया है और काफी होटल्स बंद हो गए हैं। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जो कि इस 2 साल के कठिन परिस्थितियों को पार कर पाए हैं, उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। और सप्लाई भी हॉस्पिटैलिटी में अब ज्यादा नहीं है, तो मेरे को लगता है एग्जिस्टिंग होटल्स में डिमांड अच्छी रहेगी और इसके वजह से मार्जिन हमें अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है सर, तो ये बात तो ज़रूर है। अब कोई एसेट्स हमारे जो मोनेटाइज करने जा रहे हो आप, या कोई नई जगह पे हमारा प्रोजेक्ट हो, तो इसके बारे में बात करें सर। देखिए, और एसेट मोनेटाइजेशन में मैं खाली यही कहूंगा कि हॉस्पिटैलिटी में हम काफी टाइम से एसेट मोनेटाइज करना चाहते हैं। काफी जो है हमारे पास लोग आते रहे हैं और अनसॉलिसिटेड कॉल रही हैं, बट क्योंकि वैल्यूएशन का इश्यू था इसलिए हम अपने होटल्स को डिस्ट्रेस वैल्यूएशन में नहीं बेचना बेचना चाहते थे। आगे
अब वापस हॉस्पिटैलिटी जो है बहुत अच्छा कर रही है, और आगे का अगर बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिला तो डेफिनेटली हम एक ग्रोथ पार्टनर लाएंगे जो हमारे साथ इस बिजनेस को ग्रो कर सके। बाकी जो भी हम लीजिंग बिजनेस में या नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर हमें कोई साथ में कोई अच्छा पार्टनर, GIC हमारे साथ पहले से ही है, और भी कोई पार्टनर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसको हम लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस शीट का जो रिस्क है वो कम होता है। और क्योंकि जनरली लीजिंग प्रोजेक्ट्स बहुत कैपेक्स हैवी होते हैं तो हमारे बैलेंस शीट को भी सूट करता है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा कमर्शियल सेगमेंट की बात करते हैं, पर्टिकुलरली जो वैल्यू सोल्ड है उसमें थोड़ा सा असर है, लेकिन एरिया सोल्ड जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसके रीज़न पर्टिकुलरली मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक कि रियलाइजेशंस थोड़े से हमारे कम हुए हैं, और कमर्शियल में जिस तरीके के सिचुएशंस थे ऑब्वियसली थोड़े अट्रैक्टिव रेट्स देने ज़रूरी थे, अब डिमांड वापस आ रहा है। अतुल जी इससे कैसे देख रहे हैं सर आप? नहीं बिल्कुल, कमर्शियल सेल में डिमांड वापस आ रही है डेफिनेटली। देखिए अगर लीजिंग नहीं हो रही थी अगर पिछले एक दो क्वार्टर से तो डेफिनेटली सेल भी डाउन होगी, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ऑफिस में या तो खुद के लिए लेता है या इन्वेस्टर होता है और वो भी आगे जाके लीजिंग ही करता है, तो हमने काफी कुछ इस क्वार्टर में काफी हमारे सोल्ड ऑफिसेज लीज किए हैं और लीज करके हम बेचेंगे ताकि हमें अच्छा जो प्राइस है वो मार्केट में मिले, तो हमें लगता है कि आगे जाके हमारे सेल प्राइस और रियलाइजेशन कमर्शियल सेल में भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली ये बात ज़रूर है, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो इनपुट कॉस्ट वगैरह की वजह से भी थोड़ा सा असर आता हुआ दिखता है, तो इससे भी थोड़ा सा रियलाइजेशन में असर आया है, तो इसे कैसे देख रहे हैं सर आप आने वाले वक्त में? अतुल जी देखिए इन्फ्लेशनरी डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस उसके बाद से काफी रिड्यूस हो गए हैं। आज भी करीबन 10-11% का प्राइस राइज जो है वो हम अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में देख रहे हैं, और उसकी वजह से हमने 4-5% के आसपास प्राइस इंक्रीजेस किए हैं। तो आगे जाके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन बिहेव करता है, बट मेरे को लगता है 5-6% का अगर प्राइस इंक्रीज मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है तो हमें इन्फ्लेशन से इतना डरना नहीं चाहिए, और आगे भी जाके हम प्राइस इंक्रीज अपने प्रोजेक्ट्स में अगर इन्फ्लेशन से कॉस्ट बढ़ती है तो वो कर पाएंगे। इसका मेन रीजन ये भी है कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन मार्केट में है आजकल, जो कस्टमर है वो बढ़िया ग्रेड ए डेवलपर के पास जाना चाहता है, और इसका रीजन है कि डेवलपर्स भी थोड़ा प्राइस इंक्रीज ले पा रहे हैं। अब सर डिमांड सिनेरियो जो आपने पहले बात की थी उसमें एक और चीज़ यहाँ से एंगल जो लेना चाहूँगा वो रहेगा यहाँ से आगे का जो फेस्टिव सीज़न है हमारा, और इंडियन मार्केट्स में डेफिनेटली एक बड़ा बूस्टर लेकर आता है ये जो फेस्टिव सीज़न है, वो यहाँ से आगे अगस्त सितंबर अक्टूबर ये सारे बहुत महत्वपूर्ण महीने रहते हैं हमारे सेक्टर के लिए भी, ये कुछ खास इस बार लेके आएंगे क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स कोविड के बाद लोग फिर से पैसा लेके निकले हैं मार्केट में। अतुल जी या डेफिनेटली मेरे को लगता है कि फेस्टिव सीजन जो है इस बार बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे लिए, हम रिटेल में भी रिटेल बहुत अच्छा होगा, हॉस्पिटैलिटी अच्छा होना चाहिए, और रियल स्टेट सेल्स जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, बिकॉज बहुत शुभ टाइम रहेगा और लोग जो है उस समय काफी इन्वेस्ट करते हैं, और ITS अगर आप देखें जो कि बल्क बायर है साउथ इंडिया में वो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं एम्प्लॉई एंगल से कह रहा हूँ, सबके जो है वो सैलरी जो है वो सारी बढ़ रही है और अफोर्डेबिलिटी सारी बढ़ी है, तो काफी मिनेलिया जो है वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आगे का सीजन अच्छा होना चाहिए। और सर एक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, जिस तरीके से थोड़ा सा और इजाफा होगा ऐसा लग रहा है, एक तरफ से हम देखें तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन पीक बनाने की कोशिश में या बन चुका है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से बढ़ेंगे ऐसा ज़रूर लग रहा है, इससे कोई सेंटिमेंटल असर आप देख रहे हैं या कोई ऐसा इम्पैक्ट देख रहे हैं जो थोड़ा बहुत हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सके? अतुल जी देखिए अभी तक तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो भी 90 बिप्स रेपो में हुआ है वो जो है वो कस्टमर्स ने अच्छे से लिया है, आगे कितना इंक्रीज होगा उस पर डिपेंड करेगा, अगर मिनिस्कूल इंक्रीज होता है मान लीजिए होम लोन रेट 8-8.25 तक रुक जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो डेफिनेटली वो सेल पे इम्पैक्ट करेगा, ये आगे वाला टाइम बताएगा, बट मेरे को लगता है जब तक
आप 1 करोड़ के लोन पे अगर 1 लाख रुपए पर मंथ तक का अगर आपका ईएमआई रहता है तो वो कंफर्टेबल है, और मेरे को लगता है वो जो है कस्टमर एक्सेप्ट करेगा।